तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टी फोर टेक्नो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे यूट्यूब का चैनल इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन स्टेप्स बताऊंगा। पहले स्टेप में मैं आपको बताऊँगा जीमेल अकाउंट को कैसे बनाना है, दूसरे स्टेप में बताऊँगा कि चैनल को कैसे क्रिएट करना है, और थर्ड स्टेप में बताऊँगा कि जो यूट्यूब के फीचर्स हैं उनको कैसे इनेबल करना है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो नए व्यूवर्स हमसे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले Gmail अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास Gmail अकाउंट है तो आप जो है चैनल इजीली बना सकते हैं। जिन लोगों के पास Gmail अकाउंट नहीं है तो वो यहां से क्रिएट अकाउंट पे जाके तो अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर जो YouTube का चैनल है वो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर देना है अपना। जैसे कि मेरा नाम है मुमताज़, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुमताज़। लास्ट नाम है मेरा खान, तो मैं यहाँ पर खान लिख दूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको जो जो डिटेल यहाँ पे शो होगी वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 27, 1995, तो मैं यहाँ पे भर दूंगा 1995। तो आपने भी इसी तरह से जो है भरना है। जेंडर में जो आपका जेंडर है वो भर देना है। मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है अपना कुछ सजेशन में जो है कभी कभी आज आएगा ईमेल, तो आप जो है ये अपना मैन्युअली भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो ईमेल एड्रेस आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुमताज़ खान, तो देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। तो देखिए, अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं ताकि जो है वो अवेलेबल में आ जाए। ये अकाउंट शायद पहले किसी ने बनाया है। तो मैं यहाँ से ये भी देखिए दोस्तों, ये अवेलेबल नहीं है। तो आप जो है इसी तरह से जो अवेलेबल अकाउंट है यहाँ से जो है आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए, ये अवेलेबल आ गया है मतलब। तो इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड पुट कर देना है। पासवर्ड को आपने हमेशा याद रखना है, कहीं ना कहीं इसको लिख के रख देना है, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत सारे लोग जो है पासवर्ड भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है वो लगा देता हूँ ताकि जो पासवर्ड है वो मैच हो जाए। आपने दोनों में जो है वो एक ही पासवर्ड भरना है ताकि जो मैच हो जाए और आपका अकाउंट जो है बन जाए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो रख देता हूँ जी। मैंने ये पासवर्ड जो है यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए। तो ये हम बाद में जो है वो कर लेंगे। फ़ोन नंबर का कोई इशू नहीं है, वो बाद में आप कर सकते हैं। फ़ोन वेरिफिकेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर थंबनेल आपको लगाना हो। तो अगर वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आपको थंबनेल जो है वो नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं एग्री कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अभी इसका जीमेल जो है वो यहाँ हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यूट्यूब पे जाना है। तो दोस्तों, थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं जीमेल अकाउंट पे साइन इन हो रहा है। ये यहाँ पे नेटवर्क की शायद थोड़ी प्रॉब्लम है या कुछ सर्वर में प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, जीमेल जो है हमारा वो क्रिएट हो चुका है। इसमें अभी अभी जो है गूगल की तरफ से ये मेल आया है। तो जीमेल जो अकाउंट है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब हमारा स्टेप है अगला कि हम यूट्यूब पे जाना है और वहाँ से चैनल को क्रिएट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये मैसेज आया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से अब सीधा चले जाता हूँ यूट्यूब पे। दोस्तों जैसे कि ये मैंने अपना यूट्यूब का ऐप ओपन कर लिया है, अब यहीं से आपका चैनल जो है वो क्रिएट होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये साइड पे जो आपको एम दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, और आपने जो जीमेल की आईडी बनाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन चैनल जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा। तो चैनल क्रिएट करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये अभी हमने जो ईमेल जो है वो बनाया था, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये जो प्रोफाइल पिक्चर जैसा कुछ दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें लिखा होगा यूज़ यूट्यूब एज़। तो यहाँ पे आपको अगर नाम चेंज करना है कोई चैनल का, तो वो आप जो है चैनल का जो नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम जो है वो यही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली फिर नीचे जो है क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। तो ये जैसे ही मैं क्रिएट चैनल पर क्लिक करता हूँ दोस्तों,
तो ये चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है दोस्तों। ये चैनल तो बन चुका है लेकिन ये अभी आधा अधूरा है, इसमें कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। तो सेटिंग अब अपने अनुसार कर लेना, लेकिन जो इसमें आपको मेन चीज़ है यहाँ पे लोगो जो है इसे यूट्यूब ऐप से आप नहीं लगा सकते हैं, और बैनर जो है कवर फोटो उसको भी आप नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको लोगो अपडेट करना है और कैसे आपको बैनर लगाना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं थर्ड स्टेप की तरफ चलता हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस अकाउंट को वेरीफाई करना है यूट्यूब के को, और आप फिर जो है इसके कुछ और जो फीचर्स हैं उनको ओपन कर पाएंगे, जैसे थंबनेल सेट कर पाएंगे अपने चैनल की वीडियोस पे, और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे, और काफ़ी जो बहुत फीचर्स हैं उनको यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों YouTube के बाकी फीचर्स को भी एक्सेस करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, YouTube को अपने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। YouTube.com करके आप लिखेंगे तो उसका वेब वर्जन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में जाना है, ये जहाँ पर एम लिखा है तो वहाँ पर जाके आपको इस सेटिंग वाला एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो वहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन के जाने के बाद आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे चले जाना है व्यू एडिशनल फीचर्स पर। तो जैसे ही आप इस पर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस चैनल पे अभी कौन कौन से फीचर्स जो हैं अवेलेबल हैं। अपलोडिंग तो इनेबल है, मोनेटाइजेशन तो अभी इनेबल नहीं होगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी इनेबल नहीं है। तो काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो इनेबल नहीं हैं, देख सकते हैं आप। कस्टम थन नेल भी नॉट इनेबल्ड है। तो इनको इनेबल करने के लिए आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आपको अपने चैनल के साइड पर यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना फ़ोन नंबर जो है वो डाल देना है। तो यहाँ से हमने कंट्री जो है वो इंडिया सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है ताकि इस पे जो OTP है वो आ सके। तो यहाँ पे नीचे आपको अपना नंबर भर देना है। चलिए हम अपना नंबर भर देते हैं। दोस्तों वेरीफाई करने के बाद जो OTP हमें आया था, वो वेरीफाई करने के बाद जो डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने है। अपलोडिंग जो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, वो तो पहले ही एक्टिवेट था, और जो कस्टम थंबनेल था वो डीएक्टिवेट था, इनेबल नहीं था, वो भी इनेबल हो चुका है। लाइव स्ट्रीमिंग जो था वो भी इनेबल हो चुका है, और जो डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। आप जो है आप कोई भी वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें ये सभी फ़ीचर्स जो हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो वीडियो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं विद प्रॉपर थंबनेल और जो टैग्स हैं उनके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ।